हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को दुर्गा पूजा और दशहरा की ढेर सारी शुभकामना। सॉरी मैं थोड़ा लेट से दे रही हूँ आप लोगों को शुभकामना इसके लिए। आज मैं आप लोगों को ये बॉर्डर है जो मैंने बनाई है बॉर्डर, उसमें कचनी करने का तरीका बताऊंगी। नीव से, ये नीव में मैंने कलर लगा के पहले से ही रखी हुई है। नीव से बताऊंगी कि इसमें कैसे कचनी करते हैं। मैं कुछ का एक कलर से कर ही चुकी हूँ, इसमें मैं दो कलर का ही कॉम्बिनेशन डालूंगी। वैसे आपको जितने कलर का मन हो आप डाल सकते हैं, आपको तीन कलर, चार कलर, सबका जितने कलर का मन हो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी दो ही कलर का डालूंगी। एक येलो या सॉरी ऑरेंज और एक ब्लू, इस दो कलर से कॉम्बिनेशन बनाऊंगी मैं इसका। ठीक है, आप लोग देखिए कि कचनी किस तरह से करते हैं। हम यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से करके आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, देखिए है ना, आसान और जल्दी हो भी रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि नींव आपका ठीक होना चाहिए। जैसे हम लोग नींव को ऐसे करते हैं ना, तो ये आराम से चले, इस पे ये खरखर नहीं होना चाहिए। अगर ये खरखर इस पे करेगा, छिलेगा, तो आप का नींव खराब है। आप उसको छोटे छोटे पत्थर पे घस के उसको ठीक कर सकते हैं, कुछ पर भी घस के उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी मैं कचनी कर लेती हूँ, है ना। ऐसे ऐसे कचनी होता है, इसमें इस बॉर्डर में तिरछा कचनी किया जाता है। ये दिल के आकार का बॉर्डर है, इसमें तिरछा कचनी होगा, इसमें सीधा कचनी होगा, इसमें तिरछा होगा, इसमें सीधा होगा, इसमें तिरछा, इसमें सीधा। सबका अपना अपना तरीका है, जैसे जैसे आप लोग देखिएगा और सीखिएगा तो समझ जाइएगा कि किस तरह से किया जाता है। ये ऑरेंज का काम हो चुका है, अब मैं ब्लू से इसमें करूंगी। ठीक, ये इसमें तिरछा कचनी होगा, ये वीडियो बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। दो कलर से मैं इसको कंप्लीट की हुई हूँ। देखिए है ना, अच्छा लग रहा है ना,
इसको आप लोग सब कलर से भी कर सकते हैं, जितने कलर डाल दें, 3 कलर 4 कलर सबसे आप बना सकते हैं इसको। और कछनी इसका देखिए है ना सुंदर, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। आप लोग बनाइए इसी तरह से, ठीक है। ओके, थैंक यू।